देखो ये लिखी हुई है वारंटी, पता शायद आप सबको पता नहीं है कि मेरा अभी पांच। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं अभी आरकुंड छत में इसलिए क्योंकि ठंड से हालत खराब तो है ही, पर अपन तो ठंड में ही घूमते फिरते हैं, पता है ना आप सबको। तो मैं भी छत में इसलिए आया था, मेन रीजन इसका ये कि भाई अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी तो मेरे को लगा आप सबको दिखाता हूँ यहाँ का वेदर। तो वेदर तो भैया दिखाता आप सबके भी उधर यही हो रखा होगा, पर जो भी आउट ऑफ दिल्ली है उनको दिखा रहा हूँ या फिर सभी सभी देख सकते हैं, है ना। तो भाई थोड़ी देर पहले भी बारिश आ रही थी, सुबह में गया था खेलने के लिए तो बारिश से पूरी हालत खराब हो रही थी सुबह सुबह, तब भी हम खेल रहे थे। पर ये था भैया खेलने का जुनून है तो क्या हो गया भाई, हमसे ही बड़े बड़े खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो हम पागल थोड़ी ना कि हम ना खेलें, उधर बैठे रह जाएं, ऐसे ही ना। तो वही खेल उल के आए, फिर वहीं पर ही कभी खेल रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, कभी खेल रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, मतलब पेड़ के नीचे छुपने के लिए कि बारिश हुई थी, तब भी हमने खेला दो मैच खेल के वापस आ गए। सो अभी थोड़ी देर पहले ना बारिश हुई थी, तो देखो अभी भी मौसम ऐसी है, 11 बजे 11:30 होने वाले हैं अभी 11:30, और मौसम अभी भी देखो ऐसी है। तो यार जैसे कि मैंने रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं बाहर की कोई भी ऑयली थिंग नहीं खाऊंगा, तो भैया आज मैं सुबह सुबह खाने वाला था कचौड़ी, मेरे भाई खिलाने वाले थे पर मैंने नहीं खाया, मेरे भाई ने सिर्फ ऑर्डर कर ही दिया था, बस उसी टाइम मैं निकल गया पहले कि भाई मैं जा रहा हूँ मुझे कुछ काम है ये करके मैं आ गया घर में, क्योंकि भाई मैं ऑयली बिल्कुल भी नहीं खा रहा आप सबको जैसे मैंने बताया अपना रेजोल्यूशन। सो यार जिसने भी मेरा रेजोल्यूशन नहीं देखा ना तो भैया देख लो इससे पहले वाले व्लॉग में, ठीक है, या फिर लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि मैंने क्या क्या रेजोल्यूशन बना रखे हैं। पहले वाले में अमल हूं मैं कि मैं ऑयली थिंग नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाया मैंने, अभी सीधा मैंने सोचा भाई घर में आके खाना ही है, तो भैया चलता हूँ नीचे। तो आज छत में जा रहा था, मौसम दिखा रहा था सभी को, और मम्मी बन गया खाना, खाऊ ले क्या बनाया है, आलू की सब्जी बनाई क्या, तो बढ़िया अरबी और मूली की सब्जी पापड़ साग, और मम्मी पता आपको जैसे मैंने आपको बोला नहीं मैं वही नहीं खाऊंगा ऑयली थिंग नहीं खाऊंगा बाहर का जंक फूड, मैं भी खाने वाला था नवीन भाई के साथ, उसने बस ऑर्डर कर ही दिया था मेरे लिए, नवीन भाई ने भैया घर में खाना बन रहा था, भैया पहला रेजोल्यूशन तो मेरा हो गया, पास हो गया पहला वाला रेजोल्यूशन, चलो मेरे खाना रख दो यार मैं खा लेता हूँ खाना, फिर बताओ सबसे कौन ओके हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे पकड़ूंगी उसको पकड़ूंगी, डर लगता है उनको, डर लगता है ये चल भी नहीं पाते इसमें, चल नहीं पाते जैसे ये नहीं चल रहा है ये चार्जर, देखो देखो चलो पहले अरे वो डर लगता है उसको, नीचे नहीं बैठेगा बिल्कुल भी, हाँ वो बस ये है कि बस मेरे को उठा लो, गोद में पकड़ना तेरे, अरे मासूम अभी छेड़ रहा था उसको बनी को, अरे और एक चीज ये देखो ये हो गया खराब, ये उस दिन लेके आया हूँ अभी कितने 2-3 महीने हो रहे हैं इसको, ये चार्जर को ये भी हो गया खराब, और दिखाता हूँ भाई ये दिख रहा है चार्ज जो हो रहा है 2 घंटे या 3 घंटे होने, 3 घंटे होने वाले हैं तब से 8% ही हुआ है, अब इसमें भी दिक्कत आ रही है, और मैंने अपना अंदर चार्जिंग पे लगा रखा था फोन उसमें भी सेम दिक्कत आ रही है, मतलब कि इसी वायर में मैं फिर अपना फोन भी लगा रहा हूँ सेम दिक्कत यही आ रही है, जबकि हमने ये वाला जो चार्जर है 3 महीने पहले ही लिया है, वो भी मैंने लिया था 3 एम्पियर का, तो भैया ये देखो 3 एम्पियर का होने के बाद भी देखो खराब सा हो गया, लेके तो मैं आ गया चार्जर, मैं उनको हड़का के भी आ गया थोड़ा सा इसीलिए क्योंकि भाई देखो हमेशा सिर्फ वही 2-3 कंपनियां दिखाते हैं, यूबॉन एडीएस बस, अरे आगे क्या है ये दिखाऊं, अबे साले फिर उन्होंने वो दिखाया ईआरडी, दिखाया ईआरडी लास्ट टाइम लेके आया था मैं, वो खराब हो गई अभी 2-3 महीने के अंदर, मैं 8th मंथ में लेके आया था उसे, अभी अगस्त या सितंबर में लेके आया था, और अभी देखो दिसंबर के बाद जनवरी में खराब, फिर मैंने बोला भाई कुछ नया है तो दिखाओ, अगर नया है तो फिर दिखाया उन्होंने कोई कैंडीटेक नाम का, दिखाता हूँ ये रहा चार्जर कैंडीटेक का है और 3 एम्पियर का है, लिखा है ना इसमें 3 एम्पियर, तो भैया इससे चार्ज तो भैया हो रहा था फोन, मैंने वहीं पर ऑन द स्पॉट उनके सामने ही कम से कम 15 मिनट तक चार्जिंग में लगा के रखा और मम्मी का चार्ज होने लग गया फोन, और वो भी मतलब 2-3% बढ़ रहा है,
ऐसी दो तीन तीन चार चार मिनट बाद, क्योंकि मम्मी के फोन में भी थोड़ा सा बैटरी में दिक्कत है, इतनी भी नहीं पर है दिक्कत, तो चार्ज तब भी हो रहा था, नहीं तो मम्मी के तीन तीन घंटे में एक एक दो दो परसेंट बढ़ रहा था चार्जिंग में। पर यह कि इस वाले से चार्ज बढ़ रहा था, तो अब मम्मी का फोन भी चार्ज सही से हो जाएगा। मेरा तो हो ही रहा था, मेरा जैसे ही 2% चार्ज बढ़ा तो भैया खुश हो गया। मैं हल्ला भाई दो मिनट के अंदर मेरा 2% बढ़ गया, आपका 2 या 3 मिनट में 1% बढ़ा, ठीक हो गया आपका, मतलब चार्जर चल रहा है जो मैं लेके आया हूँ, नहीं तो वही कंपनी दिखा रहा था जो लास्ट टाइम मैं लेके आया था, ERD नाम से। हाँ वही दिखा रहा था भैया, तुम तो लास्ट टाइम भी दिखा रहे थे, वो तो खराब हो गए। अभी कैंडीटेक के नाम से, और उसको लगा के देखो अभी कभी चार्ज हो जाएगा, 1-2% बढ़ेगा बस, पर चार्ज हो रहा है भाई, क्योंकि मैंने उस टाइम अपना स्टॉप वॉच भी लगा दिया और चार्ज पे भी लगा दिया कि भाई देखो जरा, तभी दोनों फोन ले गया था, मम्मी का ये वाला फोन ले गया था और अपना भी ले गया था मैं तभी। तो अभी मैं लगाता हूँ इसको चार्जिंग पे और आपको भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि भैया कितनी जल्दी चार्ज हो रहा है। मैं फोन अपना लगाऊंगा तो भैया मेरा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्विक चार्ज पता नहीं क्या सर उन्होंने बोला कि देखो ये क्विक चार्जर है, क्विक इसमें लिखा ना, ये क्विक चार्ज लिखा हुआ, तो मैंने भी अपना जब लगाया मेरे फोन के डिस्प्ले में थोड़ा सा आइकन सा आ गया, उसमें लिखा हुआ क्विक चार्ज, फटाफट चार्ज तभी हो रहा था। तो मैं एक बार इसको लगाता हूँ चार्जिंग पे, अपना लगाऊंगा तो भैया मेरा बहुत जल्दी हो जाएगा, पर मम्मी का फोन लगाऊंगा नहीं तो आपको पता 3 घंटे में सिर्फ 8% था चार्ज, तो समझ लो भैया कितना कम चार्ज था, देखते हैं फिर कितनी देर तक चार्ज होता है। सो यार पहले तो इसको खोल के दिखाता हूँ आप सबको, क्योंकि इसकी वारंटी भी है 3 मंथ्स की, पर वो सिर्फ एडाप्टर की है। एडाप्टर पता होगा आप सबको, एडाप्टर ये है, तो है ये इसका एडाप्टर है, तो इसकी वारंटी है सिर्फ 3 महीने की। नहीं तो भाई काफ़ी बंदे सोचने कि भैया ये वायर है, वायर को भी चेंज हो जाएगा, पर वायर चेंज नहीं होती है क्योंकि वारंटी इसकी है, तो ये एक्सचेंज होगा पर ये एक्सचेंज नहीं होगा, अगर ये ख़राब है तो भैया गया, फिर तो नया खरीदो। तो मैंने भी ऐसी ना सेम टू सेम ERD की खरीदी थी, तो मैं ही जानता हूँ भाई, मैं लेके चला गया एडाप्टर और वहाँ पता चला केबल खराब है, खत्म, आपके आशीर्वाद से खरीदो फिर नहीं। तो इसकी वारंटी यहाँ पर इसमें उन्होंने लिख तो रखी थी, इसकी जात का देखो ये लिखी हुई है वारंटी, तो ये देखो इसमें डेट लिखी ना 2 जनवरी में मैंने खरीद रखी है चार्जर, ओनली USB 3 मंथ्स की वारंटी लिखा है ना, चार्जर ओनली USB। बस अपना आराम से इसको यूज़ करता हूँ, पहले यूज़ करके पहले दिखाता हूँ सबको कि भैया सही से चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख लेते हैं पहले तो। सर अब लगाता हूँ इसको चार्जिंग, गिरना जा रही है, लगाता हूँ चार्जिंग में इसको और आपको दिखाता हूँ। और इस फ़ोन का आप सबको पता ही होगा कि मम्मी के फ़ोन में क्या होता है कि स्विच ऑफ करके चार्ज होता है, क्योंकि इसकी जो अंदर IC है वो ख़राब हो रही है, चार्जिंग IC ख़राब है, उसकी वजह से स्विच ऑफ करके ही चार्ज होता है। तो अभी देखता हूँ, अरे ऑन तो हो जाए, बिल्कुल 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 करा ही नहीं तो कहाँ से होगा, तो अभी देखना इसमें दिखाएगा कि मतलब कितना चार्ज, अभी मिनिमम दिखाएगा इसमें 11 देखो, दिख रहा है 11, और टाइमिंग आपको दिखा देता हूँ, ये देखो टाइम हो रहा है 5:35 होने वाला है, 5:34 हो गया है ना, तो देखते हैं अभी 10 मिनट के अंदर कितना चार्ज होता है, आप सबको दिखाता हूँ फिर मिलता हूँ। सो यार अभी टाइम देखो 5:45 होने वाले हैं और अब दिखाता हूँ कितना परसेंट चार्ज हुआ 11 से, क्या दिखा हुआ है, अच्छा ही ये देखो 16 हो गया, समझ रहे हो, जो 3 घंटे में 8% हो रहा था अभी 10 मिनट में देखो बढ़ गया। तो भैया देखो ना चार्जर कैसा है, बढ़िया कि नहीं है बताओ, कमेंट करके बताओ। ऐसा मैं कोई कंपनी का लेके नहीं बोल रहा, क्या पता फोन में भी कोई दिक्कत हो, पर ऐसे भी नहीं, क्योंकि सेम मेरा भी फोन का और मम्मी के फोन में भी कैसे दिक्कत आ सकती है, सेम टू सेम जैसे मम्मी के फोन में हो रहा था वैसे मेरे फोन में भी हो रहा था, पर मेरा थोड़ा जल्दी चार्ज होता है और मम्मी का थोड़ा सा लेट चार्ज होता है। चार्जर पसंद आया आपको फिर, है ना, चार्ज हो रहा है ना सही, और मैंने भी अभी चार्जिंग पे लगाया था तो मेरा लगाया था 6:15 में, और अभी देखो टाइम दिख रहा है 7:15 होने वाले, और मैंने लगाया था उस टाइम 3% था और अभी मेरा 74% हो गया, तब मैंने अभी निकाला है क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा था अभी। तो भैया देखो कितना बढ़िया चार्ज चल रहा है, और ये देखो माल्टा राज का बन रहा भाई, ये बन रहा है पनीर, आज भी मामा कह रहे थे कि पनीर बना रहे हो आजकल, तो लो आज भी, वो पिछले साल की बात थी पर इस साल आज बनाया पनीर हमें। तो भैया अभी माल टाल अभी बेलेंगे, शायद आप सबको पता नहीं है कि मेरा अभी 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और फिर 1-5 को है, फिर 8 को है, फिर उसके बाद मेरा 12 को है, फिर उसके बाद मेरा 15 को है, फिर उसके बाद मेरा 22 को है, तो मोस्टली चांसेस है कि मैं 8 तारीख की एग्जाम देने के बाद ही शायद चला जाऊँ, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा हर दिन कैंसिल हो रहा है, हर दिन बनने के चांसेस हो रहे हैं, हर दिन कैंसिल हो रहा है, अगर अगले दिन हो रहा है कि हाँ शायद जा सकता हूँ, तो धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने कल भी बात यही रखी थी अपनी कि वृंदावन जा सकता हूँ या नहीं भी जा सकता, पर वैसे ही कह रहा हूँ मोस्टली चांसेस अब धीरे धीरे लग रहे हैं।
लेकिन मम्मी की तरफ से क्लियर चिट मिल चुकी है कि हाँ जा सकता है, जा सकता। बाकी अगर बोला कि पापा से पूछ लें तो ठीक है, पूछ लूंगा। सो यार आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप सब भी खुश रहें। और हाँ, चार्जर लें मोबाइल का तो भैया बढ़िया वाला लें, मेरा 3 एम्पियर का है, ध्यान रखना। तो बहुत डिफरेंस होता है 2 एम्पियर में और 3 एम्पियर में, मेरा क्विक चार्जर है, आप सबको पता ही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।